हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि ब्राइट। एंड क्या हो यदि एक समय पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर मेंटल एंड कोर गायब हो जाए, यानी पृथ्वी बन जाए एक गोल गप्पा, दैट मींस खोखली होलो अर्थ। सो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? क्या हमारी पृथ्वी पर सोना, चांदी, लोहा, कोयला एंड मच मोर मेटल्स सदा के लिए खत्म हो जाएगी? हाउ विल द लॉ ऑफ फिजिक्स वर्क? सो बेसिकली हमारी दुनिया काफी स्ट्रेंज है, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में 30% लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी एक टर्टल यानी कछुआ के ऊपर है। सो ये इमेजिनेशन हो सकती है, तो क्या हम एक सिंपल सी इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि पृथ्वी यदि एक टाइम होलो अर्थ बन जाए, देन व्हाट विल हैपन? सो बेसिकली सपोज कर लीजिए कि यदि पृथ्वी होलो अर्थ बनती है, तो सबसे पहले ये कोलैप्स हो जाएगी। सो बेसिकली ये बन जाएगी एक सॉलिड बॉल। पर ऐसा क्यों? वेल, हमारे यूनिवर्स में ग्रेविटी मौजूद है, पर ये ग्रेविटी कहाँ से आ रही है ये कोई भी नहीं जानता। कोई हमारे पास एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ग्रेविटी ग्रेविटॉन्स पार्टिकल से क्रिएट होती है। वी डू नॉट हैव एनी प्रूफ, राइट? वेल, हम ये भी नहीं कह सकते कि ग्रेविटी एक गर्म चीज में से करंट फ्लो करने से आती है, क्योंकि प्रूफ नहीं है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। बेसिकली मान लीजिए एक बॉल है, और उसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर गर्म चीज ऐड करते हैं, और हजार साल बाद जब उस गर्म चीज को रिमूव करेंगे, तब कुछ इस तरह होगा, यानी बॉल का क्रस्ट कोलैप्स हो जाएगा, और ये एक समय शायद टूट भी जाए। सो अब कंपेयर कीजिए पृथ्वी के साथ। क्या हो यदि पृथ्वी की कोर एंड मेंटल खत्म हो जाए, तो पृथ्वी बन जाएगी एक बॉल जो स्फेरिकल होगी ड्यू टू ग्रेविटी। सो अब होगा ये कि यदि ग्रेविटी हुई, तो अर्थ बन जाएगी एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड बॉल। बेसिकली यानी जब आप आयरन, गोल्ड एंड मच मोर मेटल्स निकालेंगे, तो शायद आपको काफी मुश्किल का सामना करना पड़े। इसका रीजन ये है कि जब आप लोहे की खुदाई करेंगे, तो मैक्सिमम 30 किलोमीटर नीचे जाना होगा, और अब क्रस्ट ही पृथ्वी की कोर है, यानी वहां पर ग्रेविटी बिल्कुल जीरो होगी, यानी आप एक जगह फंस जाएंगे। सो आपको जरूरत होगी ऑक्सीजन मास्क एंड प्रेशर सूट की, जो एक फोर्स पैदा करे कि आप लोहा लेकर ऊपर आ सकें। बेसिकली अकॉर्डिंग टू साइंस, यदि ऐसा हुआ, तो पृथ्वी का मास 0.4% लेस हो जाएगा फ्रॉम ओरिजिनल मास से। सो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, एवरीथिंग कैन हैपन हियर। सो नेचर ने हमें जो दिया है, उसकी हमें कदर करनी चाहिए। बाय द वे, अकॉर्डिंग टू यू, यदि पृथ्वी एक गोलगप्पा यानी खोखली बन जाए, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? फिजिक्स के लॉ चेंज होंगे? आपकी क्या सोच है, नीचे कमेंट जरूर करना। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब दी Fact Bright Channel.